नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल नवीन कंप्यूटर वर्ल्ड में आप लोग का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग एक प्रोफेशनल तरीके से क्वेश्चन को कैसे टाइपिंग करेंगे। जैसे एग्जाम का क्वेश्चन होता है, देखते होंगे कि एग्जाम का क्वेश्चन होता है और टाइपिंग हुआ क्या रहता है, तो उसको हम अच्छे तरीके से कैसे करें। टाइपिंग तो कोई भी कर लेता है, लेकिन बढ़िया तरीके से उसको सेटअप नहीं कर पाता है। उसका मार्जिन का ध्यान रखना पड़ता है ताकि क्वेश्चन कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकें। तो चलिए आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हम अच्छे तरीके से प्रोफेशनल टाइप का क्वेश्चन टाइपिंग करना हो तो कैसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जाएंगे हम लोग स्टार्ट में। स्टार्ट में जाने के बाद यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या नॉर्मली यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर आप वर्ड लिखें और इंटर प्रेस कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आपके सामने ओपन हो चुका है। सबसे पहले इसका हम लोग मार्जिन को कम करते हैं। मार्जिन कम इसलिए किया जाता है ताकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज में एडजस्ट कर सके। तो मार्जिन कम करने के लिए हम स्पेशली एक वीडियो इसका बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जाएंगे पेज लेआउट में और यहाँ से चले जाएंगे मार्जिन में। जूम करके दिखाते हैं, यहाँ से पेज लेआउट में जाना आपको, ये होम इंसर्ट टैब, उसके बाद पेज लेआउट है। पेज लेआउट में जाने के बाद मार्जिन में जाना आपको। मार्जिन में जाने के बाद नॉर्मली इस मार्जिन को आप ले लीजिए। इसमें आपका टॉप में भी 0.5, बॉटम में भी 0.5, लेफ्ट और राइट में सब तरफ 0.5 स्पेस इसका छोड़े हुए हैं। यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब इसको जूम को जूम आउट कर देते हैं। उसके बाद चले जाना आपको होम में। यहाँ जाने के बाद सिंपल आपको टाइटल देना है। जैसे किसी स्कूल का क्वेश्चन टाइपिंग करें, किसी कोचिंग का क्वेश्चन टाइपिंग करें, तो उसका कोचिंग का नाम या स्कूल का नाम जो टाइटल है उस टाइटल को आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा। कैप्स लॉक ऑन कर देते, मान लेते हैं DAC पब्लिक स्कूल नाम का कोई स्कूल। लिखने के बाद इसको कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट कर दिए। अगर इसको बीच में लाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप बीच में ला सकते हैं, नहीं तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ई। सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए कोई भी टाइपिंग किया हुआ है उसको बीच में लाने के लिए कंट्रोल प्लस ई से सेंटर हो जाता है, या तो फिर सिंपली आप यहाँ से इसको सेंटर कर सकते हैं। इसको साइज़ बड़ा करना होगा क्योंकि हेडिंग का साइज क्वेश्चन के साइज से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, तो नॉर्मली आप यहाँ से ले लीजिए, इसका साइज को बड़ा कर दे रहे हैं, देख लीजिए जितना बड़ा करना चाहते हैं। इसके बाद इसको थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। बोल्ड करने के लिए बी में, यानी बी से बोल्ड होता है, इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस बी भी है। यहाँ से बोल्ड कर दिए, इंटर लास्ट में जाके फिर से इंटर प्रेस करेंगे और उसके नीचे आप उसका एड्रेस दे सकते हैं। चलिए हम लोग दे देते हैं, या नॉर्मली और कुछ भी टाइपिंग करना चाहते हो तो कर सकते हैं कि क्लास का जो क्वेश्चन हमारा टाइपिंग हो रहा है। चलिए ऐसे देते हैं, यहाँ से चले जाते हैं हम लोग, लिख देते हैं इसका टाइम। पहले क्लास लिखते हैं कि किस क्लास का वो क्वेश्चन है, क्लास। लेकिन साइज जो आपका होगा हेडिंग के अपेक्षा इसका छोटा साइज होगा, सेलेक्ट करिए और इसका साइज को फिर छोटा कर दीजिए, डिक्रीजिंग फॉन्ट साइज छोटा कर दिए, क्लास लिख दिए। चलिए क्लास वन क्लास का क्वेश्चन हमारा ये। रोमन में लिखना चाहते हो तो सिंपली आप इसमें आई प्रेस कीजिए, वन लिख देगा। टू लिखना चाहते हो दो बार आई प्रेस कीजिए, थ्री लिखना चाहते हो तीन बार आई प्रेस कीजिए, अगर चार लिखना हो तो आई और भी प्रेस कीजिए। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास वन का टाइप कर रहे हैं, हो गया। टैब बटन दबाएंगे, टैब बटन हमारे कीबोर्ड में होता है, नहीं तो टैब बटन दबाने से क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा। टैब दबाते हैं, चलिए एक बार, दो बार, दो बार टैब दबा दिए, एक बार और दबाते हैं, तीन बार। अब यहाँ पर लिखते हैं क्लास, अब लिख दिए यहाँ पे सब्जेक्ट कि किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट। चलिए हम लोग दे देते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश, फिर से यहाँ से टैब दबाते हैं। अब यहाँ लिख देंगे कि वो जो क्लास का क्वेश्चन है कि एक घंटे कितने घंटा का एग्जाम हो रहा है, तो यहाँ दे देते हैं टाइम, टाइम दे देते हैं दो घंटा का है। फिर से टैब दबाते हैं, लिख देते हैं पास मार्क्स, आखिर लड़का कितना नंबर लाएगा तो पास कर जाएगा। चलिए हम लोग देते हैं 33 नंबर लाएगा तो पास कर जाएगा, और यहाँ से फिर इंटर प्रेस कर दिए। अब यहाँ पे एक लाइन देना चाहते हैं ताकि ये हेडिंग हमारा ऊपर में रहे, तो क्या करना होगा, सिंपली आप एक अच्छे तरीके से अगर लाइन देना चाहते हो तो फिर यहाँ से इंसर्ट में जाना होगा, यहाँ से शेप में जाना होगा, ये लाइन देख रहे होंगे, लाइन में जाइए और यहाँ से शिफ्ट के साथ माउस को ऐसे प्रेस कर दीजिए और इस लाइन को भी यहाँ से इसको आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चले जाएंगे लेफ्ट अलाइनमेंट में।
साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन जो टाइपिंग होता है स्टैंडर्ड साइज 12 होता है, लेकिन चलिए बच्चा का क्वेश्चन है तो 14 साइज में हम लोग टाइपिंग कर रहे हैं क्वेश्चन। क्या करना है आपको, सबसे पहले लिखना है 1, फुल स्टॉप देना है और कीबोर्ड से टैब बटन दबा देना है। लिखना है यहाँ पे, अब स्मॉल लेटर में आप मिक्स करके लिखना होगा सेंटेंस के, इसमें पहला लेटर बड़ा बाकी सब छोटा। फिल इन द ब्लैंक्स, इंटरप्रेस किए तो 2 नंबर लिख रहा है, लेकिन हमको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखना है क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी, इस तरीके से लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए बी सी डी, तो क्या करना होगा, 1 लिख दिए क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स, इंटरप्रेस किए तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑटोमेटिक आ गया। तो क्या करना होगा, कुछ भी लिख दीजिए और एक बार इंटरप्रेस कीजिए, फिर से चले जाइए यहाँ ए के बगल में और 2 बार बैक स्पेस दबाइए, 1 बार 2 बार। अब यहाँ से लिखना होगा आपको ए फुल स्टॉप टैब, तो ए नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए नंबर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं राम ई, फुल स्टॉप दबाएंगे, अब यहाँ पे लिख देते हैं बॉय, फिर से फुल स्टॉप और टैब के जरिए थोड़ा सा आगे बढ़ गए। अब बच्चा का क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन देना होगा कि राम इज ये, ब्रैकेट ओपन किए, अब यहाँ लिख दिए गुड ऑब्लिक बैड, ब्रैकेट बंद, यानी राम इज ये चूज करना है बच्चा को कि राम इज, यहाँ पे ए छूट गया, राम इज ये, अब गुड बॉय है या बैड बॉय है वो स्टोरी पढ़ा होगा बच्चा, स्टोरी में जो भी लिखा होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे वो लिखेगा। फिर यहाँ पे चले जाइए लास्ट में, फिर से इंटरप्रेस कीजिए तो देख सकते हैं बी नंबर आ गया। डॉट 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 टैब से प्रेस करें, आगे यहाँ पे वह पहुँच गया। यहाँ भी फिर से हम लिख देते हैं ऑप्शन, उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, जो भी आप टाइप करना चाहते हैं यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। देखिए 4, 5 जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं इसे। अगर हमको अब लिखना है 2 नंबर क्वेश्चन, तो नॉर्मली यहाँ कीबोर्ड के डाउन एरो से 2 के पास पहुँच जाइए, या तो सिंपली आप यहां से माउस क्लिक कीजिए। अब यहां से क्वेश्चन आपका 2 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, करने में यहां पे हम ब्लैंक दे देते हैं, यहां पे फिल करेगा बच्चा। इंटरफेस की हमको 3 नंबर नहीं चाहिए, 2 के अंदर ए बी सी डी करके देना है, या फिर अगर मान लीजिए रोमन में देते हैं 1, 2, 3, 4, तो 2 के अंदर क्वेश्चन लिखना है, फिर भी मेरे पास आ गया नंबर नीचे 3, कुछ भी लिख दिए, ए लिख दिए, इंटरप्रेस किए, कुछ भी लिख सकते हैं आप। फिर से ए के पास में जाइए, बैक स्पेस प्रेस कीजिए, फिर से बैक स्पेस प्रेस कीजिए, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल आई लिखना है स्मॉल लेटर में, आई फुल स्टॉप देना है आपको और नॉर्मली टैब दबा देना है, अंडू कर दीजिए कंट्रोल प्लस जेड से, देख सकते हैं आप एच हो गया था लेकिन हम कंट्रोल प्लस जेड से आई प्रेस कर दिए। अब यहां पे हम लोग लिख लेते हैं बस स्टैंड, 2 बार आई दबाइए, फुल स्टॉप, टैब दबाइए, ऑटोमेटिक 2 आ गया। एक तरीका ये है, ना तो फिर हम लोग यहां से भी नंबरिंग से भी ले सकते थे, ऑटोमेटिक हुआ था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, नीचे आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 लिखने के लिए, एक तरीका और दिखाते हैं। इंटरफेस किए, लेकिन हमको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखना है, तो कुछ भी लिख दिए, इंटरफेस कीजिए ताकि यहाँ पे नंबर हमारा आ जाए। फिर यहाँ पे जाएंगे ए के पास, बैक स्पेस, बैक स्पेस, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, नंबरिंग में चले जाइए, यहाँ से जो लेने का मन है आपको इसमें से ऑप्शन। चलिए अब इसको लेते हैं अगर हम लोग, या नॉर्मली इसी को हम लेते हैं, फिर से आई वाला को,
या 1 2 3 4 कुछ भी आप ले सकते हैं, ABCD कुछ भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग ले लिए रोमन में, इसको लिए। अब यहाँ पे हम लोग जैसे लिखते हैं, यहाँ चूज द करेक्ट वर्ड चूज करना उसको, तो इसलिए हम गलत भी लिख रहे हैं यहाँ पे स्पेलिंग। इसमें से जो भी चूज करेगा वो जो भी सही वर्ड रहेगा, जैसे यहाँ तीसरा नंबर, तो यहाँ पे तीसरा नंबर चूज करके साइन कर देगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक और चीज़ है, अगर क्वेश्चन के साथ साथ में यहाँ लिखना चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम का कितना नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप चले जाइएगा एस के पास, टैब से आगे बढ़ते चले जाइए, यहाँ लास्ट में दाएँ साइड में आ गए। मान लीजिए इसमें क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, 1 2 3 4 5 6 7 एक क्वेश्चन एक नंबर का था, हम यहाँ से ऐसे करेंगे 1 X लिखेंगे 7, यानी एक क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, सब एक एक नंबर का है, इज इक्वल टू 7। उसी तरीके से फिर यहाँ पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पास, टैब से आगे बढ़ जाएंगे। चलिए इस मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा दो दो नंबर का है, तो क्वेश्चन कितना है टोटल 3। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है 2, तो ऐसे करते हैं 2 × 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 6 नंबर का। इसी तरीके से हर क्वेश्चन में आप नंबर भी दे सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, ताकि बच्चे को पता चल पाए कि ये क्वेश्चन इतने इतने नंबर का है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि कंटिन्यू इसी तरीके से हम हिंदी माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर का पूरे जानकारी दें। हिंदी माध्यम से हर प्रोग्राम के बारे में देंगे, अभी MS Word टॉपिक चल रहा है, ठीक है, जो भी आप लोग को देखना चाहते हैं, सीरीज बाय सीरीज चलेगा, MS Word चलेगा, एक्सेल चलेगा, बहुत तरीके से टैली का चलेगा, फोटोशॉप का चलेगा, सारा क्लास हम लोग कंप्यूटर का हिंदी माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग तक पहुँचाएँ इस वीडियो को, जानकारी को। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।